देखने वालों को अपनी आंखों पर भले ही विश्वास ना हो, पर अब यही सच है कि मंगलवार को पानीपत के जीटी रोड स्थित गौशाला मंदिर में जिस लड़की को तेजाब डालकर जलाया गया था वो ज्योति नहीं बल्कि सिमरन थी। पानीपत के गांव अटावला निवासी कृष्ण और बराना गांव की ज्योति दोनों शहर के अलग अलग कॉलेजों में ग्रेजुएशन फाइनल के स्टूडेंट थे। दोनों की पहली मुलाकात इसी साल जनवरी में आर्य कॉलेज में हुई थी। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी जगह किसी एक लड़का और लड़की को मारने की साजिश रची। इसीलिए कृष्ण ने अपनी एक जूनियर छात्रा सिमरन को एनएसएस कैंप की लीडर बनाने के बहाने गौशाला मंदिर परिसर में बुलाया। हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें लगातार जारी थी। 5 तारीख को ही जो मेन एक्यूज था कृष्ण, जो कि पानीपत का ही रहने वाला है, उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया था कि ये लड़का इस वारदात में शामिल है। पानीपत के एसडी कॉलेज में बीए फाइनल का छात्र कृष्ण कॉलेज की हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता था, इसलिए कॉलेज में लोकप्रिय भी था। पर उसके सिर पर तो ज्योति के प्यार का भूत सवार था। ज्योति ने ही सारी साजिश रची। खैर, सिमरन अपने सर कृष्ण का कहना मानकर गौशाला मंदिर के सामुदायिक भवन में पहुंच गई, पर एक अन्य छात्र रमेश वहां नहीं पहुंचा क्योंकि दोनों की प्लानिंग लड़का लड़की को मारने की थी। कृष्ण और ज्योति ने सिमरन को नशीली दवा डालकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई, सिमरन बेहोश हो गई। इसके बाद ज्योति और कृष्ण ने सिमरन का गला घोंट दिया। पिछले कई दिनों से इनके आपस में अफेयर चल रहा था। दोनों अलग अलग कास्ट से होने के कारण अपने परिवार वालों से ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे। सिमरन को ज्योति की लाश साबित करने के लिए दोनों ने सिमरन के मुंह पर तेजाब उड़ेल दिया ताकि उसका चेहरा झुलस जाए और पहचान ना हो सके। वहां से भागने से पहले ज्योति ने अपना कॉलेज का आईडी कार्ड, पर्स, मोबाइल और चश्मा, क्योंकि ज्योति चश्मा पहनती थी, लाश के पास ये चीजें रखकर दोनों फरार हो गए। ये अपने मोटिव में कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में यही था कि ये ज्योति नाम की लड़की की डेथ हुई है, तो लेकिन अब इनकी दोनों की हमने अरेस्ट कर ली है। कल शाम की अरेस्ट की गई। इधर कमरे में किसी लड़की की लाश पड़ी होने के बाद गौशाला मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इसे ज्योति की लाश समझकर पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। उधर पानीपत के आजाद नगर की सिमरन भी गायब थी। लड़की की लाश मिलने की खबर पाकर सिमरन के पिता आलोक दुबे का मन हुआ कि शव को देखा जाए। शव देखते ही उसने कहा कि ये तो उसकी बेटी है, क्योंकि पिता ने उसकी पहचान उसके दांतों और हाथ में बांधे धागे से की। मैनेजर भी है, उसका भतीजा भी है, उन दोनों को भी फांसी के लिए हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राथमिकता उनकी है। मंदिर में अगर लड़की गई और वहां पे मर्डर हो रहा है, कपड़ा बदला जा रहा है, उसका तेजाब डाला जा रहा है, तो इसमें मंदिर का पुजारी, मंदिर के प्रबंधक सब इसमें दोषी हैं। उधर ज्योति के परिवार वालों ने सिमरन को ही अपनी बेटी मानकर उसका दाह संस्कार कर दिया। बेचारी सिमरन इस सारी साजिश में बेकसूर होते हुए भी अपनी जान ही नहीं गंवा बैठी, बल्कि दाह संस्कार में भी उसे अपने परिवार वालों का साथ नसीब नहीं हो सका। इधर आलोक दुबे के मृतका को अपनी बेटी बताने पर पुलिस भी चकरा गई। अब कृष्ण की तलाश शुरू हुई। पुलिस को भनक लगी कि एक लड़का लड़की जीरकपुर से शिमला की ओर जा रहे थे। पानीपत के एसपी ने शिमला की महिला एसपी से मदद मांगी। पानीपत और शिमला पुलिस ने वहां सारे होटल छान मारे। एक होटल में ज्योति और कृष्ण मिल गए। वहां ज्योति ने सिमरन का आई कार्ड देकर कमरा बुक कराया था। पुलिस दोनों को पानीपत ले आई। आज सुबह इनको ज्योति का हमने ऑलरेडी 3 दिन का कल ही रिमांड ले लिया था। बाकियों का आज 3 दिन का रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल इस सारी साजिश की मास्टरमाइंड ज्योति ही निकली। उसे ये आइडिया एक सीरियल देखकर आया था। पुलिस अब इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। एसपी का कहना है कि इस मामले में जो जो भी मददगार मिलेगा उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पानीपत से जाने के बाद या शिमला तक पहुंचने के बाद इन्होंने किन लोगों से संपर्क किया या उनसे किस तरह की हेल्प ली, तो इन सारी बातों पर इनको ये मोटिवेशन या इनको ये आइडिया कहाँ से आया इस तरह से वारदात करने का, तो ये सारी चीजों पर आज इनका रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी। और अब एक बड़ा सवाल ये भी कि अगर पुलिस इस जोड़े को अपने दावे को सच साबित करके 48 घंटे में ही पकड़ सकती है, तो 25 अगस्त से फरार हनीप्रीत आज 15 दिन बाद भी पकड़ में क्यों नहीं आई? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कैमरामैन धर्मवीर, सहयोगी कपिल के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।